मॉर्निंग गाइड कहते हैं आप सब लोग। आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। गणपति बप्पा मोरे। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर इधर देखे शाम के 6 बज चुके हैं और देखे हमने मोटर वोटर चला दी, पानी नहीं था तो घर की साफ सफाई भी लग गई हुई। घर की साफ सफाई कर रहे हैं और बच्चे वहाँ पर वो लगा रहे हैं होम थिएटर लगा रहे, क्योंकि ये काम नहीं कर रहा था कल तो अच्छा ही नहीं लग रहा। बाबा के भजन वजन कुछ भी नहीं बज रहे, तो अब ये वाला जो है सो का 4 किलो आलू देखिए अमली पह रही है, खराब हो रहा है। तो भैया कह रहे हैं कि कल आ जाऊंगा लेने के लिए दूसरा, दे के जाऊँगा दूसरा, तो जब तक तो मज़ा ही नहीं आ रहा। तो हम अपना होम थिएटर लगा रहे हैं तो थोड़ा सा ठीक कराया इन्होंने, ख़राब सा हो रहा था तो अब ये लगा रहे हैं। और मैं घर की साफ सफाई करके पप्पा के लिए बनाऊँगी खीर, तो पप्पा को प्रसाद में खीर बनाऊँगी मैं। हमारा प्रेम देखो कैसा लगता है, इसकी आदत है टी शर्ट पहनने के बाद ऊपर से कमीज पहनता, वो भी बटन खुले और बाजू चढ़ा के, सिर्फ टाइट टाइट कपड़े पसंद है। तो चली गई, तो अब देखिए होम थिएटर लगा रहे हैं, अगर लग जाता है अच्छे से तो बाबा का भजन चलाएंगे। सुबह से सोना सोना लग रहा घर बाबा के भजन के बिना, ये एम्पलीफायर खराब हो रहा है। हाँ, क्योंकि इसके बिना ना मज़ा नहीं आ रहा आरती करने में भी। वैसे भी बच्चे फिर इंजॉय करते, मैं खुद इंजॉय करती बाबा के गाने चलाकर। तो टपट कर देगा। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओ हेलो गाइस, तो देखिए शाम के बज रहे हैं 7 और ये हमारी घड़ी पीछे है तो मैं उस टाइम से बताती हूँ। तो मेरे घर आई है मेरी छोटी बहन, ये देखिए छोटी बहन आई है और हमारे जीजा जी है छोटे। गणपति बप्पा मोरिया तो कल किसी वजह से नहीं आ पाई थी, तो आज इन्होंने दर्शन के लिए हमारे आए हैं पप्पा के दर्शन करने के लिए आए। तो उन्होंने कहा कि चलो दीदी गुस्सा ना हो तो चलो हम आज चलते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। मेरी बहन आई है तो गुस्सा तो आता ही है जब बहनें नहीं आती किसी काम में, तो भाई छोटी बहनों को अगर ना पूछे तो छोटी बहनें भी तो लड़ेंगी हमसे, है ना। दीदी अब पूछा नहीं तो फिर हम भी तो लड़ेंगे ना, हमारी बहन क्यों नहीं आई। वजह कोई भी हो ना आने की, वजह कोई भी हो ना आने की, वजह कोई भी हो ना आने की, वजह को लाने की वजह भी यही है। इन्होंने ही कहा था नहीं मेरे भाई, नहीं मेरे बहनों भी बहुत अच्छे हैं, वो उन्होंने कहा कि नहीं उनको हम नाराज नहीं करेंगे। तो पापा के आरती की तैयारी हो रही है तो अनमोल नहा धो के रेडी हो गया अपना, थोड़ा सब चराग विराग सब तैयार करा और मैं पापा के लिए खीर बना रही हूँ। तो खीर मैंने चढ़ा दी है तो पापा की खीर भी बन जाएगी, तो हम करेंगे फिर आरती। और तो ये है मेरा बेटा भविष्य, हेलो करो। ये बहुत अच्छा बेटा है मेरा, बहुत ही फेवरेट है ये, बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत ही प्यार से। और आते एकदम पैर छू, मैं रसोई में घुसी हुई थी बर्तन धो रही थी, मैं कह रही किसका बच्चा, ध्यान से देखते थे अरे ये तो हमारा ही निकला बच्चा। बहुत अच्छा लगा, सरप्राइज दिया मेरी बहन ने। तो चलिए गए तो चाय वाय नाश्ता कराते हैं और फिर आपसे बात करते हैं। बना रही हूँ पप्पा के लिए खीर प्रसाद, और यहाँ दूध उबाल दिया है मैंने, और इधर बनाऊंगी मटर पनीर की सब्जी क्योंकि मेरी बहन आई है, तो मटर पनीर की सब्जी बनाऊंगी। वैसे तो हमारा खाना रखा हुआ था तो अब सोच रहे हैं चलो हम खाना वैसे ही बना लेते हैं। पप्पा का भोग मटर पनीर की सब्जी, खीर ब्रेड पकौड़े और देखिए पूरी और खीर और चावल अभी बन रहे। देखिए भाई चावल हो गए क्या, तो यहाँ पर तैयारी हो चुकी है और मेरी बहन लेकर आई है मोदक, ये देखिए 1-2-3 और पर लेकर आई है बाबा के भोग के लिए। यहाँ एक सेब चढ़ा दी थी इधर एक, हाँ ये वाला हटा दे, एक हटा दे, एक और तो अब सब तैयार हो चुके हैं। राज कहाँ गए, प्लेन में सब के लगा दे, फोन में तो कह रही हूँ मैं, हम तो स्काइप कह रहे हैं।
मैंने बोला किन्ने ऊपर आए वो करेगा ये बाप्पा ये या भक्तांना दर्शन द्यायला ये होय आपल्याला फक्त दोनच गोष्टी आवडतात गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका
कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर सिंदूराची कंठी झलके माल मुक्ता फळांची जय देव जय देव दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव देवा हो देवा गणेशा लंबो दर गणेशा ओम नम गणपते नमः देवा हो देवा गणेशा लंबो दर गणेशा ओम नम गणपते नमः करता दुख हरता बढ़ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर सिंदूराची कंठी झलके माल मुक्ता फळांची जय देव जय देव आवडतात गणपतीची गाणी आणि आपला लाडका छोटे वाले मिनी समोसे गणपति बप्पा को भूख लग चुका है तो खाएंगे हम लोग खाना तो चलिए गए तो चावल भी बन गए थे तो मैंने बप्पा को लगा दिए थे खाना चावल भी लगा दिए थे तो चलते हैं खाना बनाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे फटाफट खाना बनाते हैं अपनी बहन को खाना खिलाते हैं तो अभी 9 बजे हैं तो फटाफट हो गया खाना मतलब जल्दी बना दिया खाना फटाफट बन के चलो ये लोग भी आए तो फटाफट बनाते हैं पप्पा का भोग का खाना बन जाएगा और तो मिलते हैं थोड़ी देर में जब खाना खाएंगे तब मिलेंगे आपसे अब तो देखिए गाइस सब खा रहे हैं हम लोग खाना दिखाएंगे
तो टाइम हो गया 10:30। अभी कहाँ 11 बज गए? तो कोई बात नहीं, ज्यादा दूर थोड़ी ना पकड़। एक बार और मिलो। बाय बाय। बाय बाय, चलो मोदी, बाय बाय। तो चली गई, तो अब मेरी बहन चली गई है, तो अब करते इस ब्लॉग का एंड। तो अच्छा लगा, मेरी बहन आई मिलने के लिए, वो कल नहीं आ पाई थी, तो आ जाइए। तो पापा का दूसरा दिन था, तो पापा को करते हैं बाय बाय, गुड नाइट करते हैं पापा को। आप लोग भी कर लीजिए पापा को गुड नाइट। हमें भी, हेलो भाई दिखाओ ना कब, हेलो भाई। तो पप्पा को तो दिखा दो, तो पप्पा को दिखाएंगे हम। तो चलिए गए, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नई ब्लॉग में, एक नई टाइटल के साथ में। तो चलिए गए, तो सब मिलके बोलते हैं पप्पा आप सबकी मुरादें पूरी करें और हमारी भी, सबकी, सबके परिवार में खुशियाँ ले आए। तो मिलके बोलिएगा गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।